अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फरहाना किचन जायका। आज हम बनाने वाले हैं शादियां वाला अनानास कश्मीरी मीठा। बिस्मिल्लाह, चलिए स्टार्ट करते हैं। चार अनानास को कद्दूकस कर ली हूँ मैं। देखिए ड्राई फ्रूट ये इतना क्वांटिटी में आप ही डाली है। देखिए प्लेन केक, खवा, घी, अनार, अनार के दाने, शक्कर, आधा लीटर मिल्क ये। देखिए प्लेन केक 300 ग्राम ये ऐसा साइड से काट लेंगे पूरा भी, क्योंकि ये हार्ड रहता है ना, इसलिए मैंने काटी थी। देखिए अनानास को अब मैंने स्टोव के ऊपर रख दिया हूँ पकने के लिए। मीठा इस तरह पकाना चाहिए दोस्तों, इस तरह आधा घंटा पकना चाहिए स्टोव पर ये। आज मेरी बेटी का बर्थडे था इसलिए मैंने मीठा पकाई थी सो। देखिए मैंने शक्कर डाल रही हूँ, शक्कर भी 300 ग्राम है ये। चार अनानास को 300 ग्राम शक्कर, 300 ग्राम खवा, 300 ग्राम केक, 300 ग्राम ड्राई फ्रूट है, घी 50 ग्राम है। देखिए मैंने सभी अच्छे से शक्कर डाल के अच्छे से पका ली हूँ। पकाई के बाद देखिए 10 मिनट पकिया सो ये। अब मिल्क डालेंगे, मिल्क डाले के बाद में खवा डालेंगे। देखिए खवा डाल रही हूँ मैं दोस्तों। मैंने मिल्क भी दाल को अच्छे से पका ली थी लेकिन वो वीडियो मिस हो गई। आप दूध में मिल्क में पका लीजिए, मैंने खवा भी दाल डाली। देखिए अब ये केक डाल रही हूँ सो, प्लेन केक ये चूर के ऐसा बुकनी बना के डालिए, अच्छा मज़े का होता है दोस्तों। ये मेरे यूट्यूब की फैमिली आपके घर में ट्राई करके देखिए। देखिए पैन में मैंने घी डाल ली हूँ। अब इलायची लौंग डाल के थोड़ा सा रोस्ट करके, देखिए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये मीठे के ऊपर डालने के लिए मैंने रोस्ट कर रही हूँ, देखिए अच्छा रोस्ट हो गया। अब काट ले रही हूँ, मैंने मीठा पकाई थी ना, देखिए ये ऐसा डाल के ऐसे ऊपर गार्निशिंग करेंगे। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। आप सब खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।